गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक है वोल्केनो, जिसको हिंदी में ज्वालामुखी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले व्हाट इज़ वोल्केनो, वोल्केनो किसे कहते हैं? अ वोल्केनो इज़ एन ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मैग्मा कम्स आउट। तो वोल्केनो एक ओपनिंग होता है पृथ्वी के अर्थ के क्रस्ट में, जहाँ से मैग्मा निकलता है, ठीक है, जहाँ से मैग्मा निकलता है उस ओपनिंग को ही कहा जाता है क्या, वोल्केनो। अब देखिए यहाँ पर, व्हेन मैग्मा कम्स आउट ऑन सरफेस इट इज़ कॉल्ड लावा, इट इज़ कॉल्ड लावा। तो अभी हम समझ लेते हैं लावा क्या है, मैग्मा क्या है। तो मैग्मा जो होता है, अब मैग्मा कंटेंस मोल्टेन रॉक्स, गैसेस, मिनरल्स, एस, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। यानी कि जो हम बोलते हैं ना मैग्मा, तो मैग्मा में क्या होता है कि मोल्टेन रॉक्स होते हैं, यानी पिघले हुए चट्टान होते हैं, गैसेस होती हैं बहुत सारी, मिनरल्स होते हैं, ठीक है, और राख होती है, एस होता है। ये सारा जहाँ पर इकट्ठा रहता है क्रस्ट के नीचे, उसको कहा जाता है मैग्मा चैम्बर। ये देखिए क्रस्ट है हमारी अर्थ का, जो है सरफेस है, ठीक है, उसके नीचे, ये पृथ्वी के नीचे जो है ये मोल्टेन फॉर्म में मैग्मा पाया जाता है। और मैग्मा क्या होता है मैंने बता दिया, ये मोल्टेन फॉर्म में ये लिक्विड होता है, ठीक है, और जहाँ पर इकट्ठा रहता है उसको मैग्मा चैम्बर कहा जाता है। जब यही मैग्मा निकल कर इधर आ जाता है सरफेस पर, पृथ्वी के अर्थ के सरफेस पर आ जाता है, तो उसी को नाम दे दिया गया है लावा, उसी को कहा जाता है लावा। तो आइए इसको समझ लेते हैं ये क्या है। तो देखिए, ये हमने बताया मैग्मा चैम्बर है, और यहाँ से जो निकल रहा है इस रास्ते को, इस पाथ को वेंट कहते हैं, वेंट। और इसके जस्ट एबव मेन, इसको मेन वेंट भी कहा जाता है, क्योंकि जो ये इरप्शन हो रहा है वोल्केनो का, ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही पाथ से हो सकता है कि इस साइड से भी निकल सकता है, साइड से भी ये निकल सकता है, तो उसको सेकेंडरी वेंट कहते हैं। और ये जो बीच से निकल रहा है, ये जो बीच वाला रास्ता है, मेन वेंट इसको कहते हैं। और मेन वेंट के ही ऊपर टॉप पर हमें बाउल जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, यानी कि हल्का सा गड्ढा दिखाई देता है, उसको कहा जाता है क्रेटर, ठीक है, और यहीं से क्या होता है पूरा लावा निकलता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, लावा चेंज इनटू इग्नियस रॉक्स ऑन सॉलिडिफिकेशन। तो जब ये मैग्मा, यानी कि मोल्टेन रॉक्स वगैरह जो भी होते हैं, जब ये बाहर निकलते हैं अर्थ के सरफेस पर आ जाते हैं, तो वो सॉलिड फॉर्म में होने लगते हैं, जमने लगते हैं, ठीक है, और सॉलिड में आकर के वो रॉक्स यानी चट्टान बन जाते हैं, और उस चट्टान को कहा जाता है इग्नियस रॉक्स, है ना। फिर उसके बाद है पार्ट्स ऑफ वोल्केनो। तो पार्ट्स ऑफ वोल्केनो में मैंने बताया, जैसे मैग्मा चैम्बर, वेंट और क्रेटर्स। मैग्मा चैम्बर अर्थ के क्रस्ट के नीचे जहाँ पर मैग्मा इकट्ठा रहता है, उसको कहा जाता है मैग्मा चैम्बर। और वेंट जो पाथ होता है इसके निकलने का, उसको वेंट कहा जाता है। और क्रेटर मेन वेंट के ऊपर टॉप में ही हमें बाउल जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, उसको कहा जाता है क्रेटर्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लिखा है टाइप्स ऑफ वोल्केनो। अब हम जानेंगे वोल्केनो के कितने टाइप्स होते हैं। तो हम जानेंगे एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो और एक्सटिंक्ट वोल्केनो, यानी कि तीन प्रकार के वोल्केनो होते हैं। सबसे पहले एक्टिव वोल्केनो को समझ लेते हैं। अ वोल्केनो दैट कैन इरप्ट एनी टाइम, एक ऐसा वोल्केनो जो कभी भी इरप्ट हो सकता है, यानी कि पास्ट में कभी हुआ था और फ्यूचर में कभी भी हो सकता है, ठीक है, और मतलब फ्यूचर में हो सकता है कभी भी, और प्रेजेंट टाइम में होता रहता है, उसमें इरप्शन होता रहता है ना, तो उसको कहा जाता है एक्टिव वोल्केनो। जैसे एग्जांपल के लिए माउंट एटना, जो कि इटली में है, और अंडमान निकोबार में यानी इंडिया में है, बैरन आइलैंड, ये एक्टिव वोल्केनो के एग्जांपल है। एक चीज़ और यहाँ पर आप बता दें कि जब भी आप वोल्केनो का इमेज देखेंगे तो ऐसा ही आपको मिलेगा, एक हिल जैसा, माउंटेन जैसा। तो ये बनता कैसे है, जैसे अगर नॉर्मली ये कोई प्लेस है, ठीक है, अर्थ का सरफेस है, यहाँ पर अभी वोल्केनो नहीं आया तो ये प्लेन रहेगा, ऐसे सिंपल रहेगा। लेकिन जब एक बार इसमें कहीं से, मान लीजिए किसी पॉइंट से वोल्केनो इरप्शन हो जाता है, तो जब एक बार इरप्शन हो जाएगा तो वो कोन जैसा हिल बना लेगा, है ना, ऐसे पहाड़ बन जाएगा। तो फिर समय समय पर इसमें से क्या होता रहता है, इरप्शन होते रहते हैं, ठीक है, तो इसमें समय समय से इरप्शन होते रहते हैं। तो इसीलिए एक बार जब वोल्केनो इरप्शन कहीं हो जाता है तो वहाँ एक चट्टान बन जाता है, और अगर उसमें आए दिन होते रहते हैं इरप्शन, तो उसको कहा जाता है कि वो एक्टिव वोल्केनो है। उसके बाद है डोरमेंट वोल्केनो। डोरमेंट वोल्केनो को स्लीपिंग वोल्केनो भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें देखिए क्या है, अ वोल्केनो दैट हैज़ नॉट इरप्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम बट कुड इरप्ट अगेन। तो एक ऐसा वोल्केनो जिसमें लॉन्ग टाइम में कोई इरप्शन नहीं हुआ है बट फ्यूचर में हो सकता है, लॉन्ग टाइम में नहीं हुआ है लेकिन फ्यूचर में कभी भी हो सकता है, उसको डोरमेंट वोल्केनो या स्लीपिंग वोल्केनो कहते हैं। एग्जांपल के लिए माउंट फूजी, जो कि जापान में है, इसको माउंट फ्यूजियामा भी कहा जाता है, ठीक है, जापान में पाया जाता है। और मौना की, जो कि यूएसए में हवाई आइलैंड पर पाया जाता है, यूएसए में मौना की, ये भी डोरमेंट वोल्केनो का एग्जांपल है। उसके बाद है नारकोंडम आइलैंड। नारकोंडम आइलैंड जो है ये इंडिया में है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, तो ये भी किसका एग्जांपल है, डोरमेंट वोल्केनो का एग्जांपल है। तो इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर यही है कि इसमें कभी भी इरप्शन हो सकता है, ठीक है, एक्टिव वोल्केनो में।
और इसमें कभी पास्ट में हुआ था, डोरमेंट में कभी पास्ट में हुआ था, लेकिन काफ़ी समय से नहीं हो रहा है और लेकिन फ्यूचर में हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है एक्सटिंक्ट वोल्केनो। एक्सटिंक्ट वोल्केनो ऐसा वोल्केनो होता है जिसमें बहुत समय पहले इरप्शन हुआ था लेकिन अब उसमें इरप्शन नहीं हो रहा है। अ वोल्केनो दैट इज अनलाइकली टू इरप्ट, यानी कि एक ऐसा वोल्केनो जिसमें इरप्ट होने की कोई संभावना नहीं है, है ना। बहुत पहले हुआ था इरप्शन लेकिन अब उसमें कोई संभावना नहीं है, यानी काफ़ी दिनों से नहीं हो रहा है, संभावना भी नहीं है, तो उसको एक्सटिंक्ट वोल्केनो कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका में पाया जाता है, और अफ्रीका में ईस्ट अफ्रीका में पाया जाता है। फिर है धिनोदर हिल्स। धिनोदर हिल्स भी एक्सटिंक्ट वोल्केनो है जो कि पाया जाता है कच्छ, यानी कि गुजरात के कच्छ में, यानी कि इंडिया में। तो ये था कि व्हाट इज़ वोल्केनो एंड वोल्केनो के टाइप हमने देखा, पार्ट्स ऑफ वोल्केनो देखा। एक चीज़ और आपको बता दें कि जो भी वोल्केनो में इरप्शन होता है, इरप्शन तो एक एक क्वाइट भी हो सकता है और एक्सप्लोजिव भी हो सकता है। क्वाइट का मतलब कि इरप्शन जो हो रहा है बहुत तेज़ी से नहीं हो रहा है, यानी कि उसमें से जो मैग्मा निकल रहा है वो बहुत तेज़ी से नहीं निकल रहा है, कम स्पीड से निकल रहा है। और एक्सप्लोजिव का मतलब बहुत तेज़ी से निकल रहा है, एकदम विस्फोट जैसा, काफ़ी ऊंचाई तक। तो अगर क्वाइट हो रहा है मतलब कि बहुत स्लो स्पीड से इसमें से मैग्मा निकल रहा है, तो इसमें क्या होगा कि जो मैग्मा है वो ऐसे काफ़ी दूर तक फैल जाएगा, है ना। यानी कि अब तो लावा बोलेंगे जब सरफेस पर आ जाएगा, तो लावा क्या हो जाता है जब सरफेस पर काफ़ी दूर तक फैल जाता है तो वो प्लेटो बना लेता है, ठीक है, वो प्लेटो बना लेता है। एग्जांपल के लिए इंडिया का जो डेक्कन प्लेटो है वो एग्जांपल है क्वाइट इरप्शन का, है ना। और एक्सप्लोजिव, जब एक्सप्लोजिव इरप्शन होगा किसी वोल्केनो में तो वो एक कोन जैसा हिल बनाएगा, ऐसा पहाड़ बनाएगा, ठीक है, इस तरह का। तो इसका एग्जांपल है माउंट फ्यूजियामा या माउंट फूजी जो कि जापान में पाया जाता है। इन सभी तीनों टाइप के वोल्केनो में मैंने दो या तीन एग्जांपल लिया है, इससे ज़्यादा भी होते हैं वोल्केनो के एग्जांपल, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वोल्केनो का। अगर आपको इसमें कुछ अच्छा लगा हो, नई जानकारी मिली हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।